माननीय स्पीकर सर, मैं आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे जनरल बजट 2020 में बोलने की अनुमति दी है। स्पीकर सर, ये बजट ऐसा है कि ये बजट पूरा बैलेंस बजट है और हमारे जननायक और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये सतत सातवां बजट पेश हुआ है और हमारे मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी और श्री अनुराग ठाकुर जी ने ये बजट को जो पेश किया है वो पूरा बजट लेबर इंटेंसिव बजट है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर में बजट है और इसकी वजह से एग्रीकल्चर क्षेत्र, टेक्सटाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में एक फोकस होगा और इसके लिए सरकार में रोजगार सृजन होगा। स्पीकर सर, मैं अहमदाबाद से आता हूं, मैं गुजरात से आता हूं और देश की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई की ओर शुरुआत होने जा रही है। इस बजट में करीबन 5,600 करोड़ रुपया इसके लिए जो आवंटन किया गया है, इसके लिए मैं सरकार का और वित्त मंत्री का मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं इसमें जो गुजरात है, करीबन गुजरात में देश में सबसे ज्यादा कोस्टल है एरिया है गुजरात का, 1600 किलोमीटर कोस्टल एरिया है और इस बजट में करीबन 18% शिपिंग इंडस्ट्री में आवंटन किया गया। इसकी वजह से गुजरात और जो 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 बंदरगाह क्षेत्र है उसमें एक प्रकार का विकास होगा। जहां तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का सवाल है, ये हाईवे हमारे गुजरात में गोधरा, वडोदरा और सूरत से पसार होता है और ट्राइबल क्षेत्र से पसार होता है। इसकी वजह से ट्राइबल क्षेत्र वडोदरा, गोधरा और सूरत का विकास होगा और जो दूरी 25 घंटों की दूरी है जो मुंबई से जो दिल्ली की, वो आधे हो जाएगी, 12.5 कलाक की दूरी हो जाएगी। मैं सरकार को, प्रधानमंत्री जी को और हमारे मंत्री जी को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं अहमदाबाद से आता हूँ और एक जमाना में अहमदाबाद वॉज नोन एज ए टेक्सटाइल सिटी। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता था। इस बजट में नेशनल टेक्सटाइल मिशन में 1480 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और इसकी वजह से न सिर्फ अहमदाबाद, उसके अगल बगल और सूरत में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें बहुत भारी विकास होगा और सरकार का इस कदम की मैं सराहना करता हूँ। मैं पेशे से सर्जन हूँ, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और इस बजट में जो मेडिकल में हेल्थ केयर के लिए हमारी सरकार ने जो 10,000 करोड़ से ज्यादा जो आयुष्मान भारत जो परिवार को दिया है, देश की आधी आबादी को दिया है, मगर इस बजट में 67,112 करोड़ हेल्थ केयर के लिए दिया गया है। मैं समझता हूँ कि देश का इंसान अगर स्वस्थ रहेगा तो देश की जीडीपी भी बढ़ेगा, क्योंकि वो योगदान दे सका अपने जो इसमें, और इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। 75 नई मेडिकल कॉलेज बनने वाली है, हर 3 डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज बनने वाली है और करीबन एमबीबीएस की सीट है वो 16,000 तक एमबीबीएस सीट में बढ़ोतरी होगी और जहां तक पोस्ट ग्रेजुएट का सवाल है 4,000 उसमें बढ़ोतरी होगी। डॉक्टर होने के नाते हमारे रेल मंत्री यहाँ बैठी है, हमारे रेल मंत्री से अनुराग सिंह बैठा है, मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा जो इजाफा किया है इसकी वजह से हेल्थ केयर वित्त मंत्री का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सवाल है, मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संसदीय समिति का मैं अध्यक्ष हूँ और इस बजट में करीबन 83,256.62 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो 14.1% आवंटन ज्यादा किया गया है। मैं विशेष रूप से मैं हमारे वित्त मंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इतना बड़ा आवंटन किया गया है, जो मैनुअल स्केवेंजर के बच्चों के लिए उनकी शिक्षा के लिए भी बजट में जो प्रावधान किया गया है और इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप
टाउनशिप में करीबन डबल जो है उसमें इंक्रीज किया गया है। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा इंक्रीज किया है। और एसटी का जहां सवाल है ट्राइबल का, 400 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की स्थापना करने का प्रावधान है इस बजट में। मैं समझता हूं कि ये बजट आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी जो 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर जो करने का है, जिस प्रकार से प्रावधान किया गया है, हम उसके लिए आगे जा सकेंगे। और जहां तक शेड्यूल ट्राइब का जो है सब प्लान का सवाल है, नीति आयोग ने रिकमेंडेशन एलोकेशन किया जो 1,39,660 करोड़ रुपये का किया है, इसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। ट्राइबल बजट में जो 53,653 करोड़ का जो इजाफा किया गया है, वो करीबन 8.9% का इजाफा किया गया है। सरकार का बजट का ये जो है ये बहुत सराहनीय है। जहां तक अंबेडकर सेंटर का सवाल है, करीबन 66% उसमें इजाफा किया गया है। मैं इसके लिए बहुत भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और सरकार जो इस प्रकार से बजट में है, हमारे प्रधानमंत्री जी जब 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे और पहला इस सदन में उन्होंने भाषण दिया था राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव में, और उस वक्त उन्होंने बोला था कि मेरी सरकार गरीबों के प्रति संवेदनशील रहेगी, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े, महिलाओं के लिए रहेगी, युवाओं के लिए रहेगी। आज इस 7वें बजट में जो आवंटन किया है, उन्होंने जो कहा सो किया है, और इसीलिए वो देश की जनता नरेंद्र भाई मोदी जी पर जो करती है। मैं एक सूचन करके मेरी बात को समाप्त करना चाहता हूं। जहां तक बायोमेडिकल वेस्ट का सवाल है, बायोमेडिकल वेस्ट का, मैं गुजरात से आता हूं और बहुत ही अच्छी तरह से वहां कार्य होता है। बायोमेडिकल वेस्ट में हर हेल्थ केयर यूनिट में जाके उनको निवेश भी ज्यादा करना पड़ता है। उनकी चार कुछ प्रमुख मांग थी। एक, उनका ऑनलाइन जो मॉनिटरिंग था वो बहुत ही एडवांस किया था, उन्होंने, मैं मांग करता हूं कि उनको समाप्त किया जाए। आज ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रहा है, उसके लिए चले। और उनके लिए जो इंसिनरेटर है वो 1100 और 1200 डिग्री टेम्परेचर पर करते हैं, उनके लिए नेक्स्ट जनरेशन के लिए करने को कहा है। उसमें उन्हें कुछ मौका दिया जाए और बायोमेडिकल जो सहायक क्षेत्र है उनको बढ़ावा के लिए सरकार की ओर से प्रयत्न किया जाए। आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।